नमस्कार, गाजीपुर की दिन भर की सबसे बड़ी 5 खबरों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं जिले की पहली बड़ी खबर से। गाजीपुर नौनहरा पुलिस ने रविवार को अवैध शराब के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। इस संबंध में प्रभारी निरीक्षक शैलेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि क्षेत्र के रुकुंदीपुर तिराहा के पास से शाम करीब 5:30 बजे 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से 40 कच्ची शराब बरामद की गई। बताया कि गिरफ्त में आए अभियुक्त अरजानीपुर निवासी प्रमोद सिंह और नौनहरा निवासी नसीम शामिल हैं। पूछताछ में दोनों ने बताया कि लंबे समय से कच्ची शराब बनाने और बेचने के काम में लिप्त हैं। दोनों का संबंधित धाराओं में चालान करके जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक हरि प्रकाश यादव, कांस्टेबल पिंटू पटेल और कांस्टेबल मनीष तिवारी शामिल रहे। पीएम मोदी के जन्मदिन के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा सोमवार से आयोजित सेवा सप्ताह के पहले दिन भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष सुमित तिवारी के नेतृत्व में रक्तदान शिविर का आयोजन जिला अस्पताल में किया गया। इसका उद्घाटन भाजपा जिला अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने फीता काट कर किया। युवा मोर्चा के जिला महामंत्री विश्व प्रकाश कुशवाहा, मानवेंद्र सिंह मानव, प्रमोद वर्मा, अविनाश सिंह, चंदन बिंद, अमरनाथ शर्मा, मनोज यादव, लाल बहादुर, हर्षित सिंह, आशुतोष राय, चंदन राजभर, विवेकानंद राय, गुरुदयाल शर्मा सहित अन्य ने रक्तदान किया। कार्यक्रम में प्रदेश कार्य समिति सदस्य सुनील सिंह, जिला महामंत्री ओम प्रकाश राय, प्रवीण सिंह, दयाशंकर पांडे, अखिलेश सिंह, रविंद्र राय सहित पार्टी के अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित रहे। गाजीपुर जमानिया कोतवाली पुलिस ने चोरी की बाइक के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। इस संबंध में कोतवाली प्रभारी राजीव कुमार सिंह ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति चोरी की बाइक से पुल पार कर रहा है। इस सूचना पर उप निरीक्षक मंशाराम गुप्ता पुलिस कर्मियों के साथ मौके के लिए रवाना हो गए। पुल पर पहुंचते ही उक्त व्यक्ति बाइक की रफ्तार तेज कर भागना चाहा, लेकिन पुलिस ने पीछा कर धर दबोचा। पूछताछ में उसने अपना नाम हेतिमपुर गांव निवासी सोनू कन्नौजिया बताया। उसने बताया कि जो बाइक उसके पास से मिली है उसे वो बीते 12 सितंबर को चांदपुर कस्बे से चुराया था। कोतवाल ने बताया कि अभियुक्त का संबंधित धाराओं में चालान करके जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में कांस्टेबल बलवंत सिंह, कांस्टेबल रत्नेश कुमार, कांस्टेबल वीरेंद्र यादव और कांस्टेबल विवेक पटेल शामिल रहे। गाजीपुर नगर के विश्वेश्वरगंज पुलिस चौकी के पास लगा 400 और 250 केवीए के ट्रांसफार्मर में रविवार की रात करीब 1:30 बजे शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। देखते ही देखते ट्रांसफार्मरों से आग की ऊंची लपटें उठने लगी। इससे आवागमन कर रहे लोगों में अफरा तफरी मच गई। पुलिसकर्मी इस बात से सहम गए कि कहीं सामने स्थित पेट्रोल पंप तक आग न पहुंच जाए। उन्होंने तत्काल फायर ब्रिगेड और एक विद्युत उपकेंद्र को सूचना दी। इससे आपूर्ति बंद कर दी गई। मौके पर पहुंचे फायर कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस संबंध में प्रकाश नगर विद्युत उपकेंद्र पर तैनात SSO कमलेश ने बताया कि रात में करीब 1:30 बजे ट्रांसफार्मरों में आग लग गई थी। जम्फर काटकर 1.5 घंटे बाद अन्य क्षेत्रों की आपूर्ति बहाल कर दी गई, जबकि ट्रांसफार्मरों से संबंधित क्षेत्र की बत्ती बंद रही। सोमवार को दोनों ट्रांसफार्मरों को बदल दिया गया। गाजीपुर रेवतीपुर थाना क्षेत्र के दुल्लहपुर नगदिलपुर गांव में सोमवार की दोपहर आकाशीय बिजली की जद में आने से एक युवा किसान की मौत हो गई। सूचना पर पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। जानकारी के अनुसार दुल्लापुर नगदिलपुर गांव निवासी बेचन चौधरी का पुत्र सियाराम चौधरी उम्र 26 दिन में करीब 2 बजे टमाटर के खेत में रोपनी कर रहा था। इस दौरान तेज गरज के साथ आकाशीय बिजली गिरी। आकाशीय बिजली की जद में आकर गंभीर रूप से वो झुलस गया। उधर तेज गरज के साथ बिजली चमकने से सियाराम के भाइयों के साथ अन्य किसान सहम गए। आसपास मौजूद अन्य किसान सहमते हुए दुबक गए। कुछ देर बाद सियाराम को खोजने निकले, देखा कि वो औंधे मुंह पड़ा था। लोग आनन फानन में उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर ले गए, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना से घर में कोहराम मच गया है। पत्नी शिल्पी सहित परिवार के अन्य लोग बिलखने लगे। पत्नी अपने 1 वर्षीय बच्चे घनश्याम को सीने से लगाकर दहाड़े मारकर चीखने चिल्लाने लगी। सूचना मिलने पर सेवराई तहसीलदार घनश्याम राम तथा लेखपाल राजेंद्र यादव पहुंचे और परिजनों से घटना के संबंध में जानकारी ली। इस संबंध में थाना अध्यक्ष दिव्य प्रकाश सिंह ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। गाजीपुर की ऐसी और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।